चॉकलेट में, वाइट के साथ इसको अच्छी तरह से कवर करेंगे यानी कि कोट कर लेंगे। अच्छी तरह से वाइट में कवर करने के बाद जो हमने बादाम क्रश किए थे इससे हम इसको कवर करेंगे अच्छी तरह से। ये भी बहुत क्रंची लगती है, बहुत मज़ेदार। हर फिलिंग का, हर कोटिंग का अपना ही मज़ा है, आपको जो आसान लगे आप वही यूज़ करें। अब इसमें जाएगा काजू, डिप करूंगी, कोट कर लेंगे अच्छी तरह से। आप इन्हीं चीज़ों से डिफरेंट तरीकों से खजूर को तैयार कर सकते हैं, जो सबसे इजी तरीका हो। अब इसे मैं इसी तरह रख लूंगी प्लेट में और वाइट चॉकलेट चिप्स ऊपर लगा देंगे। अब एक और खजूर लेंगे और इसमें डालूंगी मैं पिस्ता। अच्छी तरह से बंद कर देंगे और डार्क चॉकलेट में इसको कोट करूंगी।
ये कलरफुल सी मीठी सौंफ, इसको शाही मेवा भी कहते हैं। इसको अच्छी तरह से लगा लें, बहुत आसानी से ये मिल जाता है। ये भी बहुत खाने में क्रंची और टेस्टी लगती है खजूर। ये देखें, ये भी हम तैयार कर चुके हैं, ये सब तैयार हैं। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए रखूंगी फ्रीज़र में ताकि ये मेल्ट नहीं हो। और अगर कोई चॉकलेट या वाइट चॉकलेट डार्क चॉकलेट से कोट नहीं करना चाहता तो आप सिंपल ड्राई फ्रूट के साथ भी इसकी फिलिंग कर सकते हैं। बादाम, काजू और पिस्ते के साथ मैंने इनको फिल किया है और देखें ये भी बहुत ही टेस्टी और अच्छी लगेंगी। और ये एक जिसे मैंने क्रश किए हुए बादाम के साथ फिल किया है। और ये देखें 10 मिनट के बाद मैंने खजूर को फ्रीज़र से निकाला है और ये देखें कितने अच्छी लग रही हैं और बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हुई। ये देखें, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगी। ये देखें, और बिल्कुल मेल्ट नहीं हुई चॉकलेट, क्योंकि फ्रीज़र में इसको रखा था हमने। कुछ सिंपल तरीके हैं और कुछ थोड़े से डिफरेंट। आप हर तरीके में से कोई भी आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में एक नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।